गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरद्वारा सीसगंज साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संग जी आप जी बहुत वडभागी हो जो सत संगत दे अंदर जुड़ बैठे हो, क्योंकि साध संगत मनुख एक ऐसे घोड़े ते चढ़िया होया है जेड़ा बड़ी तेजी नाल मंजिल वल नूं जा रहा है। मन ऐसे घोड़े ते सवारी कर रहा है जेड़ा बड़ी तेजी नाल जा रहा है, पर उहदे उत्ते बैठा होया जेड़ा सवार है वह अपने आप नूं रोकी बैठा है, अपने आप नूं सोचदा है सिर्फ एक घोड़ा ही भज रहा है, मैं रुकिया होया। ये शरीर एक घोड़ा है, इहदा असवार मन है, शरीर बड़ी तेजी नाल अपनी मंजिल वल नूं जा रहा है। शरीर की मंजिल की है? जिथों ये शुरू होया है उही इहदी मंजिल है। जिहड़ी चीज़ जिथों शुरू हुई है उहदी मंजिल उही हुंदी है। दुनिया विच जिन्ने भी पदार्थ ने, जिन्नियां भी धातां ने, यह मिट्टी नूं मिक्स करके बनदियां ने, अंत नूं एक दिन बन बन के मिट्टी दे विच ही गर्क हो जांदियां ने। लोहा है एक धात है, असल दे विच इहदी उपज मिट्टी चों इह निकलिया, एक दिन मिट्टी विच ही खत्म, जंग लगदा रहिंदा, एक दिन मिट्टी नाल मिट्टी हो जांदा। लोहा भावें वड्डा भारी होए तकड़ा होए, शरीर बनिया मिट्टी तो है। मनुख अन्न खांदा है, जिन्ने भी पदार्थ खांदा है वह मिट्टी तो बनते हैं। बाणी दे विच फरमान है, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए, साढ़े त्रैमण देहोरी चलै पाणी अन्न। ये देही चलती है पानी नाल ते अन्न नाल। देही नूं अन्न ना दिता जाए हौली हौली देही वैसे ही खत्म हो जाती है। देह बनी है मिट्टी दे नाल, ते अंत नूं इन्ने मिट्टी दे विच चले जाना। मिट्टी तो बनी है, मिट्टी तो ताईं कहिंदे फरीदा, खाक ना निंदिया खाकू जेड़ ना कोए, जीवंदियां पैरां तले मोयां उपर होए। ये बाबा फरीद साहब ने लिखिया, क्योंकि इस्लामी मत दे अंदर मुरदे नूं दबाया जांदा है, जदों दबदे ने कबर दे विच ते मिट्टी फिर उत्ते पा दिंदे ने। कहिंदा वेख मिट्टी दा सबर वेख, सारी उम्र मिट्टी पैरां थले रुलदी है, एक दिन उही मिट्टी फिर उत्ते आ जांदी है। शरीर बनिया मिट्टी तो है, खाक तो बनिया है, खाक वल चले जाना है। जिहड़ा मन है, जिहड़ी इहदे अंदर जोत है, प्रकाश है, जिहड़ा ज्ञान है, मन बनिया परमात्मा तो है। कहो कबीर यह राम की अंश, यह रब की अंश है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन परमात्मा तो बनया है। ये जिस दिन बंदगी करदा करदा परमात्मा विच ही मिल जाएगा। शरीर अपनी मंजिल वाल बड़ी स्पीड नाल जा रहा है, जिहड़ा मन है वह अपनी मंजिल वाल नहीं जा रहा, बस फर्क इन्ना है। पर शरीर दे विच बैठा होया मन ये सोची जांदा है, शरीर ते भजी जा रहा है, मन दुनिया दे रसां कसां विच ही फिसे फिरिया है। ये शरीर दे विच बैठा होया कदी अखां दे नाल बाहरी दृश्य वेखदा है, दृश्यां विच ही लुक जांदा है, बाहरी तौर ते रस लैंदा है जीव दे नाल, रसां विच ही लगिया है। मतलब ये नहीं ये अखां दे नाल दृश्य ना वेखे, ये नहीं है, अखां नाल दृश्य ते वेखे, पर हरेक दृश्य दे विच उस अदृश्य नूं वेखे, बस गल इन्नी है। जिन्ने भी दृश्य बने ने बाहर, जो कुछ भी दिस रहा है उसदे विच एक अदृश्य भी है, जिहनूं संत कहिंदे ने घट घट मैं हर जीव बसै संतन कहियो पुकार।
संतां ने पुकार पुकार के कहा है, हरेक दृश्य दे अंदर परमात्मा है, हरेक वेखदी हुई चीज परमात्मा है। दृश्य वेखने माड़े नहीं, पर हरेक दृश्य दे विच अदृश्य नूं वेखे। जिन्ने भी रस लै रहे हैं रस माड़े नहीं हन, उन्हां रसां दे विच ओह परमात्मा नूं वेखे जिथों रस आए ने, जिन्ने रस बनाए ने। इहनूं कहिंदे ने अंजन माहे निरंजन रही है, भाव कालक दे विच रहिंदिआं वी बेदाग रहना इही जोग जुगत है। इस करके आपां लगातार ही संगत दे विच आउंदे आ, संगत दे विच आ के मनुख नूं इक शक्ति मिलदी है, मन एक अपनी मंजिल वल नूं तुरदा है, मन नूं पता लगदा है मेरी जिंदगी दी मंजिल की है, मैं करना की है, परिवार विच किवें रहना है, संसार विच किवें रहना है, संसार विच रहिंदिआं रहिंदिआं मैं निरंकार नाल किवें जुड़ना है, यही सतसंगत दा फल है। सतसंगत विच आउंदिआं आउंदिआं मनुख आकार तो निरंकार वल नूं चली जांदा है, परमात्मा वल नूं तुरदा है। आओ आपां कल तीन यह श्रवण किया सी गुरु अर्जन साहब जी गुरु अमरदास जी महाराज जी के कोल। सिख ये कहिंदे ने महाराज असी कई प्रकार के भोजन छकते हाँ, तुसी कल्ला दलिया छकते हो, ये चंगा नहीं, असी सारे छकीए तुसी दलिया छको। फिर महाराज ने उन्होंने विखाया नहीं, जो संगत छकती है प्यार नाल छकती है वो ही चीज़ साढ़े कोल पहुँच जाती है। आओ हुण जिवें अगली साखी चलती है, बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला गुरुमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। महाब्रिंद जीरन तन होए, गुरु अमरदास महाराज जी की उम्र वड्डी है, 80-90 साल की उन्होंने उम्र हुई है, बड़े बजुर्ग अवस्था ते ही शरीर महाराज जी का रहा है। शरीर बजुर्ग हो गया है, शरीर पुराना हो गया है, पर फिर भी महाराज बहुत ज़्यादा तप करते हैं। देख सो त्यार होए है जबे, संगत सहत अच्छे गुर तपे। जिवें ही प्रशादा तैयार हुंदा सी, गुरु महाराज संगत दे नाल जाके प्रशादा छकिया करदे सन। एक दिन जाके प्रभु कृपाल करी सोच मजे तिस काल। एक दिन सतगुरु जी महाराज जागे ने सवेरे, उस तो बाद महाराज जी ने इशनान किया है। इत दर्शन के तनुजा पानी, पहुंची निकट भगत जे पानी। महाराज जी की सच्चे पातशाह जी की पुत्री है बीबी भानी जी, सच्चे पातशाह जी ने इशनान किया, उस तो बाद बीबी भानी जी पहुंचे ने, क्योंकि गुरु साहब महाराज जी नूं बड़ा प्रेम करते सन। एक पिता का नहीं, एक गुरु वाला प्रेम। सतसंगत अपने घर दे विच कोई मनुख बंदगी वाला होए, उसनू पहचानना बड़ा औखा हुंदा है, क्योंकि उस दे नाल सदा तो मनुख रहा हुंदा है। जिवें अपने शहर दे विच कोई बंदगी वाला होए, उसनू पहचानना बड़ा औखा हुंदा है। इवें जिस दिन गुरु नानक साहब जी महाराज प्रगट होए, उस नगर का रहन वाला राय बुलार ते गुरु नानक नूं पहचानदा है, पर घर दे पिता ने महिता कालू जी वह गुरु नानक दे चपेड़ मार देंदे ने, नहीं पछाण। पर गुरु नानक साहब जी की भैन ने, वड्डे भैन ने बेबे नानकी जी, वह उन्होंने पहचानदे ने, उन्हां दा बड़ा प्रेम है। एक भरा वाला नहीं, एक गुरु वाला। अक्सर वह क्या करते सन, हे नानक मैं तेनू निरंकार समझदी हाँ, मनुख नहीं समझदी, निरंकार। यह गल गुरु नानक गुरु अमरदास जी महाराज जी को बीबी भानी जी एक परमात्मा का स्वरूप जान के गुरु साहब जी के दर्शन करते हैं। सब चौकी पर सतगुर चरे,
ਧਿਆਨ ਧਰਮ ਹਿਤ ਬੈਠਬ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੌਨ ਵਿਲੋਚਨ ਮੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਧਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਏ ਅਡੋਲ ਕਬ ਲਾਏ ਸੋ ਧਿਆਨ ਸੰਭੂ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਤੋ ਹੀਨ ਚੌਂਕੀ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਇੱਕ ਭਾਨੀ ਮਨ ਇਮ ਠਹਿਰਾਵਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਇਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਇਤੋ ਜਬ ਹੋਏ ਚੌਂਕੀ ਡੋਲ ਜਾਏ ਖਿਤ ਜੋਏ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਾਵਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਚੌਂਕੀ ਦਾ, ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿੱਲੇ, ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਛੁੱਟੇ ਸਮਾਦ ਅਰਾਧ ਅਗਾਧੂ ਜਿਸ ਹਿਤ ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਸਾਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਧ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਡੋਲੇਗਾ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰੇ ਵਿਖੇਪ ਧਿਆਨ ਕੇ ਮਾਹੀ ਬਿਰਤ ਡੋਲ ਟਿਕੈ ਤਬ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਵਸਤ ਤਹਿ ਪਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਧਰੇ ਹਿਤ ਜੋਈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਚਹੁ ਦਿਸ ਦ੍ਰਿਗਣ ਚਲਾਏ ਨਿਹਾਰਾ ਨਹਿ ਸਮੀਪ ਜੋ ਦੇਹ ਅਧਾਰਾ। ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਤਲਾਵਤ ਨੇ ਦੀਨਸ ਹਾਥ ਨੈ ਡੋਲੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਾਥ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌ ਪਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮ ਭਾਰੂ ਹੋਤ ਭਇਓ ਸਭ ਲੀਨ ਸਹਾਰੂ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਇਸਤਰੀ ਕਰੋ ਕੋਮਲ ਕਰ ਹੈ ਭਇਓ ਭਾਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੈਸੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਉ ਨਾ ਕਰਿਓ ਡੁਲਾਵਣ ਕਰਕੋ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਧੀਰ ਧਰ ਉਰਕੋ। ਵੀ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ
बड़े धीरजता दे नाल जो कुछ भी हो रहा है उन्हें सहन कर रहे हैं। बाबा रहो हथेरी कट पे नहीं निकासत ते थल छट पे। हुण हौली हौली जिहड़ा पाव है उन्हां दी हथेली विच गड्डिया गया क्योंकि भार हौली टुट गया। हौली हौली करदिआं जिहड़ा पावा है बीबी भानी जी दी हथेली दे विच गड्डिया गया है। पुरखन को दोस कर पहो जोई भगत पिता की हित कै सोई। जेड़ी गल पुरखां वास्ते करनी औखी है वो भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने एक इस्त्री ने भाव बीबी भानी जी ने अपने हाथ दे नाल ओ कर दित्ती है। प्रात होत लगन माहिन हाली मनो मूर्ति चित्र निकाली। इंदे सवेर होण तई माता भानी जी बैठे रहे हैं किते एक पैर तो बैठे होणगे पांच चार घंटे का टाइम बनता है। पांच चार घंटे उन्होंने जिहड़ा हथ है वो जिहड़ा थले रखिया ही होया है। पूजा सुन कंधे तक पई उतरियो रूप धर लाल होए गई। हुण जिहड़ी उन्हां दा वो बांह भी है हौली हौली सोनी हो गई विच खून गड्डिया गया सारी बांह दे विच खून नहीं चल रहा। साध संगत ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਕਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਪਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਸੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੀਰੇ ਆਏ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲਾਈਟ ਬਲੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਵਿਸ਼ਵਾਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋਈ
एक बन्ने गुरु का हुक्म है, दूजे बन्ने मेरे को पैसे नहीं। जे गुरु का हुक्म ही टुट गया फिर मेरे बंदगी करने का भी की फायदा होया। बार बार उन्हें बेनती की, उन्हें ना दिता। बाबा फरीद साहब नूं कहिंदी है, बाबा फरीद जी कहिंदे मेरे को अखा ने दो, कहिंदे एवें कर फिर एक अख कढ के दे दे, जे तू मैनू अख दे देंगा मैं तैनू अग दे देंगी। सत्संग मुरशद दे एडे वड्डे प्रेम च आए, अपनी एक अख ही कढ के उन्होंने दे दित्ती वेशवान। अख दित्ती खून खून, एक अख ते पट्टी बन ली, अग लैके ते जा के पानी गर्म किया, ते अपने मुरशद नूं बख्तियार काकी नूं उन्हें इशनान कराया। मुरशद इशनान करके कहिंदा है, कहिंदे अज इशनान करन दा आनंद ही वखरा है। कहिंदे फरीद तू अख ते पट्टी बन्नी है, अख नूं की होया? कहिंदे महाराज अख आ गई है। कहिंदे वेख ला पट्टी खोल के की पता अख आई गई होए। बाबा फरीद साहब ने अख आ गई का मतलब आपां पंजाबी च कहने आ अखां दे लाली आ जानी, कोई ना कोई रोग हो जाना। वो अगों कहिंदे ने, कहिंदे वेख अख खोल के की पता अख आ गई होए। सत्संग पट्टी खोली, अख फिर लग गई। किड्डा वड्डा मुरशद दे कोल शक्तियां दे भंडार हुंदे ने। कहिंदे ने अज तई भी उन्हां दी गद्दी दे उत्ते जिहड़ा बहिंदा है उहदी इक अख छोटी हुंदी आ। अख छोटी आई अज तई भी उन्हां दी गद्दी ते, जदों दी उन्हां दी गद्दी चली उन्हां दी गद्दी ते बहण वालिआं दी इक अख छोटी हुंदी रही। इह मुरशद जदों अपनी कामलता दे विच आए, मुरशद दे कोल सब कुछ हुंदा है। बाणी कहिंदी सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमै विच हो जाए। असल दे विच जदों मनुख गुरु दे दर ते सेवा करदा है, परमात्मा की सेवा करदा है, गुरु ते सेवा करा के राजी नहीं हुंदे। कहिंदे मेरी कादी सेवा है, सेवा करो परमात्मा की। जो कुछ भी करदा है परमात्मा दे अर्थ, ते जदों मनुख परमात्मा की सेवा कमाउंदा है, उहदा नां जपदा है। सब दी गुरबाणी तो यह भी कहती है रब की सेवा की है, हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम। वो इको एक सेवा है वह ना जपना, होर कोई सेवा नहीं। बाकी ड्यूटियां ने सारिया, ये मनुख दियां ड्यूटियां ने। धार्मिक स्थानों नूं साफ रखना, अपने जिथे भी रहिंदा है अपनी लोकैलिटी नूं साफ रखना, आस पड़ोस नूं साफ रखना, ये फर्ज ने मनुख दे। इस करके माता भानी जी, बीबी भानी जी ने हाथ रखिया थले पीढ़ी दे, तीन पावे ने, चौथे दे थले हाथ रखे है, विच खुब गई है किली पर सी नहीं उचार रहे, जिहड़ियां बाहवां हन उहनां दे विच खून जिहड़ा है जम गया है। ध्यान हटावण समो भयो जब, कमल बिलोचन बिकसत ते कब। जदों महाराज जी का ध्यान हटिया, अखां खुलियां, गुरु साहिब जी ने जदों वेख्या है, वेख के खुश हो गए हन। बैठी सुता समीप निहारी, बहुरो दृष्ट पूजा पर डारी। महाराज जी ने कोल वेख्या, उन्हां दी पुत्री बैठी है। पहली निगाह पुत्री वल गई, फिर दूजे तौर ते निगाह उन्हां दी जिहड़ी बाजू है, बांह है, उहदे वल गई है। तूल नसा सरोनत भर रहे हो, नाड़ां फुलियां होईयां ने, लहू भरिया होया नाड़ां दे विच। गुरु साहिब जी ने उन्हां नूं पुछण वास्ते इहदा की कारण है, ये सब कुछ पुछण लगे हन। एहो क्या कीन रही क्यों बैसी, कुछ पर पीड़न दीखत ऐसी। सच्चे पातशाह कहिंदे ने इह की गल होई, क्यों बैठे हो उत्थे, तुहाडे इत्थे बहण दा कारण की है। सुन बोली बड़ भागा भानी, पित जी पावे हीन पछानी। कहिंदे पिता जी मैं तां इत्थे बैठी हाँ, जिहड़ी तुहाडी जिहड़ी चौंकी ते तुसीं बैठे होए सी उहदा इक पावा टुटण लग्गिया सी, ते सच्चे पातशाह मैं अपना हाथ ओह पावे दे थले रख लिया है। निकट बिलोकन कछु न कीन, जाते हाथ तरे मैं दीन। कहिंदी महाराज मैं नेड़े तेड़े सारा कुछ वेख्या,
पर मैनू कोई भी चीज़ ना लभी जिहड़ी मैं इस पावे दे थले दिंदी, इस करके मैं अपना हाथ ही उहदे थले दे लिया है। डोले ते समाद छुट जाए राखी जाते सथित टिकाए। सच्चे पातशाह मैं सोचिया जे फट्टी डोल गई, चौंकी डोल गई, तुहाडा ध्यान टुट जाएगा, इस करके मैनू पक्का करन लई अपना हाथ ही थले दे दिता है। तब श्री सतगुर तरे उतर के हाथ निकासियो प्रेम निहर के। फिर महाराज जी चौंकी तो थले उतरे ते उन्हां दा जेड़ा हाथ है बीबी भानी जी दा वह बाहर कढ़िया ते हाथ नू वेख के सच्चे पातशाह जी वचन करदे हन। गरत हथेरी विखे निहारा कहो खेद बीबी के मतारा। उन्हां पुछिया कहिंदे बीबी हे पुत्री इन्ना दुख किवें सहार लिया, आम मनुख किवें सहारेगा, एक वजन उत्ते पिया होए किली विच हाथ से चली जाए, इन इन्नी चीज़ नूं तुसीं किवें सहारिया है। पित जी हमरी मत अनजानी होए ना सकहे सेव गुण खानी। साध संगत वेखो जिहड़े सेवा लैंदे ने की कहिंदे, कहिंदे पिता जी मैं ते ज्ञानहीणी आ, मैनू नहीं सी ये दिमाग विच आउणा आइडिया, मेरी मत अनजाण है, ये जिहड़ी सेवा मैं नहीं कीती तुसीं ही मेरे तो लई है। निस बासुर मैं रहत बेसूरत अहो आप परमेश्वर मूरत। कहिंदे महाराज मैं ते दिन रात झूरदी रहिंदी सां, पर सच्चे पातशाह तुसीं मेरे लई परमेश्वर दी मूरत हो। सफल नेत्र जे दर्शन करे हाथ सफल टहल जो अनुसरे। ओ नेत्र सफल हो जांदे ने जिहड़े तुहाडे दर्शन करदे ने, ओ हाथ भी पवित्र ने जिहड़े तुहाडे दर ते सेवा करदे हन। रिदा सफल जिस मैं तुम बासो चरण सफल तुम हित चल जासो। महाराज ओ चरण भी सफल ने जिहड़े तुहाडे हित वास्ते तुहाडे लई चल के आउंदे ने। नाल कहिंदे ने महाराज ओ दिल पवित्र है जिहड़े दिल दे विच तुहाडे वचन टिके होए हन। सकल शरीर सफल बड भागे जो रावर की सेवा लागे। सारे ही ओ शरीर सफल ने जिहड़े तुहाडे इत्थे सेवा दे विच लगे होए हन। सुन तनुचा के वचन सुहाए एक दस करम कीन जिस पाए। महाराज साहब जी ने अपनी पुत्री दे इन्हां वचनां नूं सुन के ते उन्हां दी इस सेवा नूं वेख के खुश हो के एक कठिन काम नूं वेखदे होए वचन कहे हन। होए प्रसन्न बर दयो सुजाना संतत तेरी बदै महाना। महाराज प्रसन्न होए, प्रसन्न हो के वचन दिता, कहिंदे बीबी भानी इस करके नहीं उन्होंने लड़की ने आप इस करके नहीं सेवा नूं वेख के, कहिंदे ने बीबी भानी अज तो बाद जिहड़ी तुहाडी वंश है वह बड़ी ही वधेगी। सकल जगत की हो मैं पूज जैसो चढ़े चंद्रमा दूज। तुहाडी वंश की पूजा ही होवेगी जिवें दूज का जिहड़ा चंद्रमा है वधदा ही जांदा है, कहिंदे इवें तुहाडी वंश भी वधदी ही जाएगी। ਪੜ ਐਸ਼ਵਰ ਅਰਜ ਬਧੈ ਤਿਮ ਆਕੇ ਜੋ ਤਿਨ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਧੇਗਾ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਕੇ ਬੰਸ਼ ਵਿਖੇ ਨਿਪਜੈ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀ ਸੇ ਜਗ ਮੈਂ ਹੋਇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਰ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ
चलो ठीक है, जिन्नी क मनुख की प्रलभद है, जिन्ने को दे कर्म ने रोटी पानी उन्होंने मिलया होया, थोड़ा घट है जे कर्म पिछले चंगे ने होर मिल जाएगा, रोटी पानी की वड्डी गल नहीं है। मनुख नू परमात्मा दे दर तो बंदगी किन्नी मिली है, ये उहदे चंगे भाग इत्थों विखदे ने। सतसंगत किन्नी मिली है, नाम वह किन्ना जपदा है, इत्थों भागां दा पता लगदा है। गुरु महाराज जी ये भी कहिंदे ने साध संगत, कई वारी ऐसे मनुख ने दुनियावी तौर पर बड़े पदार्थ ने, बड़ा कुछ हुंदिया भी रब की दरगाह विच कंगाल ही चले जाते हैं। कई लोग ऐसे ने दुनियावी तौर पर कंगाल हुंदे ने, कंगाल हुंदिया भी रब की दरगाह दे विच बड़े वड्डे मनुख बन के रब की दरगाह विच कबूल हुंदे ने। एक दिन गुरु साहब जी ने भगती नूं दृष्टाउण वास्ते ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक दिन सिखां नूं पुछिया, कहिंदे सिखो एक गल दसो, कहिंदे भगत कबीर साहब दे टाइम राजा कौन सी? सारे सिख महाराज सानूं नहीं पता राजा, भगत कबीर दा ते पता है, उहनां दे टाइम सानूं भी नहीं पता राजा कौन सी, किसे नूं भी नहीं पता। पर महाराज कहिंदे एक गल याद रखियो, भगत वड्डा भगत जिड्डा कोई नहीं हुंदा। कहिंदे एक गल वेखो, भगत कबीर दे समय दे टाइम जिहड़ा राजा होएगा उहदा किन्ना राज चलदा होएगा, किन्ने लोग उहदे वस विच होणगे। कहिंदे पर याद रखो, अज उहदा नां लैण वाला भी कोई नहीं, पर भगत कबीर रहा छपरियां च है, कहिंदे अज उहदे नां ते लोकां मंदर बनाए हुए ने। भगती वड्डी है साध संगत, कौन वड्डा? माया वड्याई? गुरबाणी दे विच सवाल है, कौन वड्डा? माया वड्याई? कहिंदे नहीं, पर कहिंदे सो वड्डा जिन राम लिव लाई, वड्डा वह है जिन रमे हुए परमात्मा नाल लिव लाई है। दुनिया विच वड्डा मनुख वह है जिन्हें परमात्मा का नाँ जपया। अज नहीं साध संगत, तीजी पीढ़ी मनुख की फोटो ला के बाहर सुट दिंदी है, भावें उन्हें कुछ भी किया है। तीजी पीढ़ी आपां जे इत्थे बैठे हाँ, सानू साडे दादियां ते इहदी फोटोआं बस याद ने, पर दादे की फोटो किसी घर नहीं है। तीजी पीढ़ी ते जाके रजिस्ट्रियां भी बदल जांदियां ने, पर दादियां दे नाम बदले जांदे ने, दादियां ते ही रह जांदा है, अगे रजिस्ट्रियां भी बदल, सब नाम खत्म। तीजी पीढ़ी नूं नहीं पता अगे कौन है, कौन होया है, कौन नहीं होया। पर जे उस कुल दे विच किसी ने नाम जपिया है, उन्हां दी पीढ़ी ने तो याद करना ही करना है, सारी दुनिया होर उन्हूं याद करती है। कबीर साहब नूं उन्हां दी कुल ने तो याद करना ही करना है। साध संगत याद रखो, वो सारी दुनिया भी उन्होंने याद करती। मैं कई बार याद आता है भगती किड्डी वड्डी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अगे कुल नहीं चली, वंश नहीं चली, बिंदी तौर पर नहीं चली, नादी तौर पर तो असं सारे बैठे हाँ। बिंद के तौर पर चार बच्चे सन, चार साहबजादे सन, चार ही शहीद हो गए। तो आम लोग कहते सन महाराज एक तो रखो, पुत्र निशान होंगे ने, अगे चलता रहेगा। आप कहने अज भी एक तो हो जाए निशान हो जाएगा। महाराज कहते नहीं, निशान कदे पुत्रां नाल नहीं रहे, निशान कुरबानियां ते बंदगियां नाल रहिंदे ने। साध संगत रहे ने अज तई निशान, किन्ने आ ते किन्ने पुत्र हो गए, कोई ना नहीं लंदा, निशान रहिंदे ने कुरबानियां नाल, निशान रहिंदे ने बंदगी नाल। कलगी वाले महाराज कहन लगे सिखो एक गल याद रखो, कबीर जी दे टाइम किन्ने लोग होए ने वड्डे वड्डे, कोई ना नहीं लंदा, कबीर जी का अज भी ना है। बाणी कहिंदी बस्ता टुटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जत ना पत ना आदरो उद्यान परमीना, मित्र ना इठ धन रूपहीन किछ साख ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। हरी दे नाम नाल जुड़िया होए सारी सृष्टि का राजा है, भावें कपड़े पाटे होण, रिश्तेदार कोई ना होए। महाराज कहिंदे बस्ता टुटी झुंपड़ी, घर भी टुटिया होया होए, चीर सब छिन्ना, कपड़े भी पाटे होण, जत ना चंगी कुल भी ना होए, जत ना पत ना आदरो कोई आदर भी ना करे, उद्यान पर महीना जंगलों में फिरदा होए। मैंने याद आउंदा मीरा भाई दी, साध संगत जदों मीरा भाई ने बंदगी की ना, उहदे घर दे ने भी उहनूं कढ दित्ता सी। कहिंदा की कृष्ण का नाम लई जानी है तू, किहदा? मेरे हुंदिया उहदा नाम घरों कढ़िया, जंगलों के विच रही मीरा भाई। पर साध संगत याद रखना, जिन्हां ने घरों कढ़िया ना, अज उन्होंने वड्डे वड्डे मंदिर बनाए ने मीरा दे, उदों नहीं रहन दिता उन्होंने, अज वड्डे वड्डे मंदिर ने।
जंगलों के रही है, वो आन पर महीना जंगलों में रही, पर अज वो ना तो वड्डे वड्डे मंदिर ने। भगती सदा ही वड्डी है। कौन वड्डा? माया वड्डिया ही नहीं, सौ वड्डा जिन राम ले बुलाई। सच्चे पातशाह कहिंदे ने माता भानी जी नूं, कहिंदे जिहड़ी तुसीं अज कुरबानी कीती है, इस कुरबानी ने, इस भगती ने तुहाडे वंश नूं बड़ा वड्डा बल देना है। शस्त्र बह दुष्टन को कावे, अपनो अधिक प्रताप बंधावे। ओ हत्थां दे विच जिहड़े तुहाडे वंश विच होणगे, हत्थां विच शस्त्र फड़नगे, जिहड़े दुष्ट होणगे लोक उहनां नूं सजावां देणगे, ते उहनां दा प्रताप दुनिया विच बड़ा वधेगा। परम धर्म मीरी अर पीरी, परम धर्म पीरी अर मीरी, तरह आप दे अपरत गिरी। कहिंदे सारियां जिहड़ियां पिछलियां रीतां ने बदल देणगे, मीरी ते पीरी दी नीति अपनाउणगे, भाव ग्रस्त विच रहिंदिआं वी परमात्मा नूं पाउणा, राजनीतिक तौर ते वी सक्रिया रहिणा, परमेश्वर दे तौर ते वी सक्रिया रहिणा। तां ही अकाल तख्त साहिब ते हरिमंदर साहिब दो चीज़ां गुरु हरगोबिंद साहिब ने, महाराज ने, जिते अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने श्री हरिमंदर साहब की स्थापना की। और मैं आप जी की ज्ञात लई अगे कहणगे, माता भानी जी ते पति ने जेड़े, वह भी गुरु ने, पिता भी गुरु ने, पुत्र भी गुरु है, तो पोतरा भी गुरु है, सारे ही गुरु। चली पीढ़ी सोढ़ियाँ रूप दिखावन वारो वारी। साध संगत एक कुरबानी है माता जी की, याद रखना साध संगत जिन्हां जिन्हां मावां ने नाम जपे ने, कुरबानियां कीतियां ने, उन्हां दे पुत्रां ने दुनिया के रंग बदल दिते। जिहड़ियां मावां ने भगत फरीद साहब की माँ ने बंदगी लई भगत फरीद साहब नूं प्रेरिया, साध संगत अज फरीद साहब का नाँ सारी दुनिया लैंदी है। की अफगान, काबल, कंधार ते की ए भारत, की कनेडा ते की अमरीका, फरीद जी का नाँ अज तक प्रेरिया किन्ने माँ ने बंदगी चलाया, अज तक फरीद का नाँ है। साध संगत इस करके मावं अपने पुत्रां नूं प्रेरदियां ने बंदगी लई, आपां भी अपने घर दे विच बैठ के अपने बच्चियां नूं बंदगी लई प्रेरीए। मूल मंत्र दे जाप, सतनाम वाहिगुरु दे जाप, परमेश्वर की बंदगी लई प्रेरीए। अपनी औलाद नूं परमेश्वर की बंदगी वल लाइए, ये लोक भी सुखी होएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। इन्हीं बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी। साहब जी कृपा करन, आप जी जिन्हें सत्संग दे विच चल के आए हो, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करन, आप सब नूं देह अरोगता, नाम की दात, गुरबाणी गुरसिखी की दात बख्शन। आप जी इवें ही निरंतर सत्संगत विच आ के अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफल कर सको। इन्हीं बेनतियां प्रवान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।